कोरोना वायरस पूरे देश में महामारी का रूप लेता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुश्किल दौर से देश को बाहर निकालने के लिए सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं बच्चे भी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में नाबालिग बच्ची ने प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि जमा कर एक मिसाल पेश की है। पुराने शहर के खुल्लाबाद इलाके में रहने वाले हसीब अहमद की बेटी उमरा ने अपने गुल्लक तोड़कर प्रधानमंत्री राहत कोष में 438 रुपए का योगदान देने के लिए आगे आई है। दरअसल 5 वर्षीय उमरा हसीब अपने गुल्लक में रखे पैसों को जिलाधिकारी के जरिए पीएम रिलीफ फंड में देकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई है। हमने अपना गुल्लक का हमने अपना गुल्लक तोड़ के इसका पैसा मोदी जी को दे दिया है, ताकि वो गरीब लोग को खाना खिला। आपको बता दें कि देश भर में बड़ों से लेकर बच्चे कोरोना को हराने के लिए एक साथ आ गए हैं। पीएम मोदी ने देश की जनता से एक साथ कोरोना से लड़ाई लड़ने की अपील की है, साथ ही आर्थिक सहायता देने की भी आग्रह किया है।